गांधी शिल्प बाजार बेनियाबाद में लगी खरीदारों की भीड़। वाराणसी राजनारायण पाक बेनियाबाद मैदान में राष्ट्रीय गांधी सिल्क बाजार में खरीदारों की खूब हो रही है। बेनिया पाक में काफी दिनों बाद शिल्प बाजार सजी है। रोज उपयोग होने वाले सामान से बाजार की रौनक बढ़ा रही है। इस बाजार में भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हस्तशिल्पियों द्वारा बाजार सजाई गई है, जिसमें हाथ के बने विभिन्न सामान देखने व खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। दिवाली त्योहार को देखते हुए गोरखपुर के टेराकोटा के कई प्रकार के दिए, राजस्थान में बने बिजली के बना व अन्य सजावट के सामान लोगों के कौतूहल का केंद्र है। मेले में जूट से बने चिड़ियों के घोंसले पक्षी प्रेमियों खूब भाया। कानपुर पिलखोवा राजस्थान की चादर व कुशन कवा भारी मात्रा में बिक रहे हैं। जाड़े को देखते हुए खरीदारों में पश्मीना शॉल, लेडीज ऊनी सूट, प्योर लेदर की जैकेट व अन्य सामान की मांग हो रही है। गुजरात के चंदेरी सूट, बिहार की मधुबनी पेंटिंग की साड़ियां, पश्चिम बंगाल के काथावक के सूट और साड़ियां, जयपुर की रजाई, भदोही की कालीन व दरियां, पंजाब का फुलकारी वक, लुधियाना की जूतियां, असम का केन फर्नीचर, सहारनपुर का वुड फर्नीचर व अन्य वस्तु लोगों के मन को बहुत भा रहे हैं। पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवीन कपूर ने बताया कि बाजार का शुभारंभ 20 अक्टूबर की शाम को हुआ। आज बाजार लगे 9 दिन हो गया है। दुकानदारों को अच्छा रिस्पांस मिला है। लाखों का कारोबार हो चुका है, जिसका लाभ मेले में आए हुए शिल्पियों को हो रहा है। सरकार समय समय पर शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के मेले का आयोजन करती रहती है। रूपेश कुमार मौर्य, सहायक निदेशक हस्तशिल्प, वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल, उसका इंचार्ज हूँ और आज इस मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे ही कार्यालय के हस्तशिल्प सर्विस सेवा केंद्र के माध्यम से आयोजित किया गया है। कार्यालय विकास आयोग हस्तशिल्प के माध्यम से इस प्रायोजित ये कार्यक्रम पूर्वांचल निर्यातक संघ के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जो 20 तारीख से और 20 से 29 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, मेला है, जिसको गांधी सिल्क बाजार के नाम से जानते हैं हम लोग। और विभाग शुरू से ही ऐसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में करता आ रहा है। इस बार विशेष रूप से पहले हमारे 100 स्टॉल और अभी विशेष रूप से 150 स्टॉलों का ये कार्यक्रम हो रहा है। और इसमें पूरे भारतवर्ष से इसमें अलग अलग हमारे सेवा केंद्र के माध्यम से अलग अलग शिल्पी इसमें प्रतिभाग करते हैं और पूरे भारतवर्ष से अलग अलग शिल्प के शिल्पी इसमें आते हैं और उनको आने जाने का भी इसमें हम विभाग के माध्यम से उनको आने जाने का और टी और डी ए दोनों मिल दिया जाता है। साथ में उनको अपना सामान ले आने का भी उनको अपना फ्रेट चार्जेस भी दिया जाता है, ताकि सुविधा हो उनको आने जाने, अपना यहाँ रहने में और अपना सामान ले आने में, तक और की सारी समस्याओं का किस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं, कैसे हम क्या करें। हाँ, तो इसमें कार्यक्रम का ये उद्घाटन किया गया 20 तारीख को पूर्वांचल निर्यातक संघ के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया गया। रेडियो पे भी इसका विवरण पूरा का पूरा कार्यक्रम से संबंधित लगातार चलाया जा रहा है। न्यूज़पेपर हमारे जो समाचार पत्र हैं, हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, कस्टमर किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरीके की मार्केटिंग जो है यहाँ हो रही है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। कस्टमर को ही लाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया है विभाग के माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मेले में प्रतिभाग कर सकें। और जो हमारे शिल्पी हैं वो अलग अलग पूरे देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि बनारस से संबंधित जो हमारे जरी जदोजी, वो तो लगाए हैं लोकल हमारे जो कारीगर हैं, साथ में साउथ से भी, कर्नाटक से भी हमारे पास जो वुड कार्विंग के बनाने वाले हैं, आपने अभी देखा होगा वुड कार्विंग के बनाने वाले कर्नाटक से भी आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर के आर्टिजन प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे भदोही के कारपेट लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि हमारा आगरा का हमारा उसका जो ग्लास वर्क है, ग्लास वर्क के काफ़ी अच्छे आइटम लगे हुए हैं अलग अलग। साथ में काशीवासियों से, सभी से हमारा ये अपील है कि यहाँ पूरे भारतवर्ष के कारीगर हैं, कृपया एक बार मेले में आप अवश्य आएँ और उनसे संबंधित पूरे भारतवर्ष के एक बार क्राफ्ट को आप जरूर देखें। और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये, बहुत ही रिजनेबल हैं आइटम्स, और उनको आप देख के आपको खरीदने का मन तो अवश्य करेगा आपका। आप सभी से अनुरोध है कम से कम एक बार इस मेले में अवश्य विजिट करें। आप एक बार आएंगे तो आप बार बार आने के लिए प्रोत्साहित होंगे,
अलग अलग क्राफ्ट को देख के आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित होगा। और जैसे काशी की हमारी अलग अलग कलाएं हैं, वैसे ही देश भर की कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य एक बार इस मेले में पधारें और हमारे जो शिल्पकार हैं उनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि ये कला ही हमारे देश की विरासत है और वही हमको देश को समृद्ध करने के लिए एक अच्छा हमारा माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय जी, मेरा नाम अब्दुल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितनी दुकानें यहाँ लगी हैं और कब से लगी हैं? ये गांधी सिल्क बाज़ार राष्ट्रीय का आयोजन वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से किया गया है, जिसके आयोजक पूर्वांचल निर्यातक संघ हैं। यहाँ पर कुल 150 स्टॉल निर्मित किए गए हैं, 10 स्टॉल और एक्स्ट्रा भी बनाकर 160 स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। और ये प्रदर्शनी 20 अक्टूबर से शुरू हुई है और 29 अक्टूबर तक चलेगी। इसका समय सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक है। काशी की जनता से हम ये अपील करते हैं कि यहाँ पूरे भारतवर्ष से शिल्पी आए हुए हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, और आपके साउथ से भी आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से शिल्पी आए हुए हैं, जो अपने उत्कृष्ट उत्पाद लेकर शिल्पी स्वयं मेले में आए हुए हैं। हम यहाँ के जनता से अपील करते हैं कि वो लोग आएँ, शिल्पियों के हुनर को देखें, सराहें और उसको खरीद कर उनका उत्साह वर्धन करें। जी, अपना परिचय। नवीन कपूर हूँ मैं, पूर्वांचल निर्यातक संघ जो इस मेले का आयोजक है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और इस मेले का प्रायोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर का गांधी शिल्प बाज़ार यहाँ बिनियाबाग के मैदान में लगा है। और पूरे भारतवर्ष से हस्तशिल्पी भाई बहन हमारे यहाँ आए हैं। और जो मोदी जी का मंत्र है कि वोकल फॉर लोकल, उसको चरितार्थ करते हुए मैं काशी की जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ। 29 तारीख तक ये मेला शाम को 8 बजे तक रहेगा। आएँ, इन गरीब कारीगरों का जो हमारे हस्तशिल्पी भाई हैं जिनके पास हुनर है, उनका भी त्यौहार हम लोग सफल करें आगे। और मैं सभी से यही अपील करूँगा।